नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि इंटेंसिटी क्या होती है। इस शब्द को मैं काफ़ी बार पहले काम में ले चुका हूँ अपने वीडियोस में, और मुझे ऐसा लगा कि शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी को कुछ ऐसे समझो, इंग्लिश का शब्द है जिसको मेरे हिसाब से महसूस ज़्यादा किया जा सकता है, जिसकी ऐसी कोई परिभाषा लिख करके देना काफ़ी मुश्किल होगा, तो मैं तुम्हें थोड़ा देख दिखा करके महसूस कराने की कोशिश करूँगा। अब मान लो जैसे मेरा हाथ है, ये रुका हुआ है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अभी मान लो इस हाथ की कोई भी हलचल करने की जो इंटेंसिटी है वो ज़ीरो है, शून्य है। मैं कह रहा हूँ अभी इस हाथ की इंटेंसिटी पहले से थोड़ी सी ज़्यादा है, हलचल करने की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। मान लेते हैं मैं किसी कसरत को कर रहा हूँ जिसमें मेरा इस हाथ को ऐसे ऐसे हिलना है, मान लो मैं खड़े होकर के उछल रहा हूँ और मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो जो एक्सरसाइज है उसकी इंटेंसिटी पहले तो कुछ भी नहीं थी, बस वह मेरा हाथ ऐसे ही था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने उछलना चालू किया और साथ में मेरा हाथ को ऐसे ऐसे करना चालू किया। सिर्फ हाथ की अगर हम बात करें तो मेरी उस कसरत में मेरा हाथ की इंटेंसिटी, मतलब मेरी उस कसरत की इंटेंसिटी जो कि भी हाथ से नाप रहे हूँ, वो पहले से ज़्यादा है। अब मैंने इस हाथ को और तेज़ हिलाना शुरू किया, ठीक है, तो मेरी इंटेंसिटी पहले से और ज़्यादा है। इस मैंने हाथ को और तेज़ हिलाना शुरू किया, अब मेरी इंटेंसिटी पहले से और ज़्यादा है। इस हाथ को मैंने बहुत तेज़ हिलाना शुरू किया, मेरी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे हम इंटेंसिटी को नापते हैं, मतलब इसे महसूस किया जा सकता है। मुझे नहीं पता कोई पेन पेपर पर लिखा जा सकता है या कोई मतलब कोई थर्मोमीटर में नाप ले तो, मतलब मेरे कहने मतलब कोई अगर नापने की मशीन है तो उसमें नापा जा सके, तो मुझे नहीं पता। थर्मोमीटर तो ऐसे नहीं नापेगा, मैं एक बात बोल रहा था, मतलब ऐसे नापी जाती है इंटेंसिटी, ये वो इतना इंटेंस है। तो एक और तरीके से लोग इंटेंसिटी को बोलते हैं वो ये है कि जिम, काफ़ी बार जब जिम जा रहे हो आप, कसरत कर रहे हो, वजन उठा रहे हो, डंबल उठा रहे हो, उठा रहे हो, तो उसमें आप जितना वजन उठा रहे हो उसे इंटेंसिटी कह देते हैं। जैसे अगर मैं 10 किलो का डंबल उठा रहा हूँ और अब मैं 15 किलो का डंबल उठा रहा हूँ, तो मेरी इंटेंसिटी 10 किलो से अब ज़्यादा है, ठीक है। तो इंटेंसिटी को मैं एक तरीके से कई बार ऐसे बोल देते हैं कि 15 किलो उठा रहा हूँ, इंटेंसिटी कितनी है, 15 किलो उठा रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, इस वाली कसरत में। तो इस तरीके से 10 किलो से मैं 5 किलो उठा लेगा तो मैं कह दूँगा पहले से इंटेंसिटी कम है। ये एक जिम में या वजन जो उठाते हैं वो जो वेट ट्रेनिंग करते हैं उनमें ये टर्मिनोलॉजी काम आती है, मतलब ये टर्म काम आती है, ये शब्द काम आता है, मतलब इस तरीके से बोलना काम आता है। वैसे इंटेंसिटी जो मैंने आपको बताया ना किसी भी चीज़ में, वो कुछ इस तरीके से महसूस करो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कम इंटेंसिटी है, ये ज़्यादा इंटेंसिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, ऐसे ये बहुत इंटेंस है ऐसे। मेरे ख्याल से आपको इससे महसूस हो गया होगा। इस पर मैं दो बातें और जोड़ करके कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा इंटेंसिटी पर बहुत देर तक नहीं रह सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप तेज़ दौड़ रहे हो, अपनी एकदम फुल स्पीड पे दौड़ रहे हो, तो आप वो एक घंटे के लिए नहीं कर सकते, आधा मिनट, एक मिनट, दो मिनट ऐसे कर सकते, तो फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ये हमारे इंसान का जो शरीर है उसका आप समझ लो उसमें ये है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली चीज़ें बहुत लगातार बहुत लंबी देर तक नहीं कर सकता, मतलब ये कुदरती तौर पर इंसान के शरीर में ऐसा ही है। ये तो एक बात, जैसे मतलब उदाहरण के लिए ऐसे समझ लो, मैं जैसे हाथ हिला रहा हूँ, मैं इसे एकदम तेज एक घंटे तक नहीं ला सकता, फिर मेरा हाथ धीरे हो जाएगा। और नंबर दो कि जब भी आप कोई ज़्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करोगे या कोई भी चीज़ें करोगे ना, तो जब आपने उस एक्सरसाइज को करना बंद कर दिया है उसके बाद में भी आपका शरीर जो है वो कुछ ऊर्जा खर्च करता रहेगा, वो एनर्जी बर्न करता रहेगा। मतलब मान लो एक मिनट तेज दौड़ के आए तो उसके बाद आप रुकोगे ना, तब भी आपका शरीर आपने जो उस एक मिनट में किया उसके लिए ऊर्जा खर्च करता रहेगा, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो जो ऊर्जा खर्च करेगा वो आपके शरीर की चर्बी से करेगा, पर एकदम ज़रूरी भी नहीं है, पर हाँ ये पक्की बात है कि उसके बाद में ऊर्जा खर्च करता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कुछ पूछना कमेंट करना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, और मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए हो तो नोटिफिकेशन चालू कर लें।